जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, वन रैंक वन पेंशन टू पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ से यहां पे सीधी मांग की गई है कि इक्वलाइजेशन ऑफ ओआरओपी एंड नेशनल मैक्सिमम फोर रैंक्स एंड ग्रुप्स अक्रॉस द थ्री सर्विसेज, ये दो जो पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। इन दो मुद्दों के ऊपर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ से सीधी मांग कर दी गई है। जैसा कि चर्चा में चल रहा है, 21 मई 2022 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर एंड इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को एक लेटर लिख के नेशनल मैक्सिमम पेंशन और इक्वलाइजेशन ऑफ ओआरओपी की मांग की गई थी, जिसमें पीसीडीए ने सीधा सीधा मना कर दिया। पीसीडीए ने बताया, पॉइंट रेज इन योर रिप्रेजेंटेशन आर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ ओआरओपी, हाउएवर ओएमजेसी रिपोर्ट इज येट टू बी फाइनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी लेटर के बाद आप यहां देखेंगे कि मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने आज ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इक्वलाइजेशन ओआरओपी 1 जुलाई 2019 बी बेस्ड अपॉन पेंशन ऑफ जेसी ऑब्लिक ओआर बी कैलकुलेटेड ऑन नेशनल मैक्सिमम ऑफ रैंक एंड ग्रुप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर 17 जनवरी 2013 अटैच, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। दूसरी बात इन्होंने कही है कि कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स की जो पे है वो 2.67 फैक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है 7 CPC में, देयरफॉर देयर पेंशन बी कैलकुलेटेड बाय फैक्टर 2.67 इंस्टेड ऑफ 2.57। अब आगे इन्होंने जो दूसरा ट्वीट किया है उसमें इन्होंने बताया कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट लेटर, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया था, इसी के साथ ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी और तीनों सेनाओं के चीफ को, जो कि आप देख पाएंगे 8 जून 2022, साथियों यहाँ पे जो 2019 लिखा हुआ है ये ईयर गलत है, 8 जून 2022 को भेजा गया है। गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू रिवाइज पेंशन वेफ 1 जुलाई 2019 एज पर अबोव कोटेड डिटेल्स। जानकारी में अब आपको आगे बताऊंगा कि इन लेटर में क्या मांग की गई है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे हमारे देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से बिल्कुल जायज मांग कर दी गई है, जो कि उन्हीं का आदेश है। हाँ साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा ही जारी किया गया लेटर में अब आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए साथियों, ये लेटर 17 जनवरी 2013 को तीनों सेनाओं के चीफ्स को जारी किया गया था, और इसमें आप सब्जेक्ट देखें, लिखा हुआ इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज 2012 ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन इंप्रूवमेंट इन पेंशन ऑफ जेसी ऑब्लिक ओआर रिटायर्ड ऑब्लिक डिस्चार्ज इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस प्रियर टू 1 जनवरी 2006। आगे जो इसके सेलियंट फिक्चर है मैं आपको बताता हूं कि एक कमिटी गठित की गई थी, जिसके मुताबिक द पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 जेसी ऑब्लिक ओआर पेंशनर्स मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मैक्सिमम फॉर द रैंक्स एंड ग्रुप्स अक्रॉस द थ्री सर्विसेज। पहली बात तो ये कि तीनों सेनाओं के जो सैनिक है, जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, उनका जो रैंक्स और ग्रुप्स देख के उनकी जो मैक्सिमम पेंशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी नेशनल पेंशन जो है फिक्स की जाए, और इसका जो वेटेज है, करंट वेटेज इन क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ सिपाही नायक एंड हवलदार मे बी इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स। ये दूसरी मांग थी, ये मांग नहीं थी, ये रिकमेंडेशन थी और ये अप्रूवल थी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। अब आगे भी इन्होंने एक दो मुद्दे और रखे हैं कि जो 50% लिया जाएगा नेशनल मैक्सिमम का, वो 1 सितंबर 2008 से फिक्स किया गया था। अब आगे हम जो लेटर अभी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने लिखा है श्री बी आनंद जी, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को, और उसी के साथ इसको कॉपी टू किया गया है राजनाथ सिंह जी को और तीनों सेनाओं के चीफ को। इस लेटर को आप ध्यान से देखें, इसमें जो मांग की गई है वो आप क्लियरली जानें कि आपके हित में इस लेटर में क्या है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि CDA हैज कन्फर्म्ड दैट एक्सरसाइज फॉर इक्वलाइजेशन 2019 इज इन प्रोग्रेस एंड इज अवेटिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर एग्जीक्यूशन। जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली लेटर में बताया कि PCDA ने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को जो लेटर लिखा है उसके अंदर
कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं उनको ओआरओपी के प्रीव्यू के बाहर बताया और बोला कि वो इसमें शामिल ओएमजेसी की रिपोर्ट आने तक नहीं किए जा सकते। आगे देखिए इसमें यही बात लिखी हुई है, एट द सेम टाइम सीडीए हैज स्टेटेड दैट द पॉइंट्स रेज्ड इन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट रिप्रेजेंटेशन आर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ ओआरओपी, दिस डजंट सीम टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यहाँ पे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने कहा है कि ये जो सीडीए ने बात कही है ये बिल्कुल गलत है। आगे इसमें जो मैंने पहले आपको बता दिया कि जो ब्रिगेडियर और कर्नल्स का पे फिक्सेशन 2.57 की फैक्टर को लेकर कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले बोला है कि 2.67 की फैक्टर को यूज करके ऑलरेडी 7CPC में पेंशन को फिक्स कर दिया गया है, तो अब 2.57 को लेने की बात ही नहीं बनती, 2.67 फैक्टर को ही इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि पेंशन ऑफ जेसीओ ओब्लिक ओआर इज टू बी कैलकुलेटेड एट द मैक्सिमम ऑफ नोशनल मैक्सिमम ऑफ द पेंशन ऑफ द ईयर रैंक एंड ग्रुप्स अक्रॉस द थ्री सर्विसेज, जो आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया कि तीनों सेनाओं के समान रैंक्स और ग्रुप्स को मिला के उनमें से जिस एक्स सर्विसमैन की पेंशन सबसे ज़्यादा होती है उस पेंशन के बेसिस के ऊपर 50% फिक्स की जानी चाहिए। आगे इन्होंने जो तीसरा पॉइंट बताया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट इक्वलाइजेशन ऑफ ओआरओपी 2019 ओआरओपी 2 की बात की जा रही है इज डन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अबोव लेटर्स, जो लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी किया था तीनों सेनाओं को, इसी लेटर के मुताबिक पूरा ओआरओपी 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहां पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा बात कही जा रही है। और साथियों जब नेशनल मैक्सिमम पेंशन फिक्स हो जाएगी तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि साथियों उसमें 2 साल का जो वेटेज भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, आपका जो सर्विस वेटेज है उसके मुताबिक यदि आपकी पेंशन फिक्स होती है तो आपको ओआरओपी 2 का लाभ असली लाभ मिलेगा। और साथियों जैसा कि पीसीडी ने कहा है कि इक्वलाइजेशन ऑफ ओआरओपी और नेशनल मैक्सिमम पेंशन ये बियॉन्ड ओआरओपी के प्रीव्यू के बियॉन्ड है, तो आपकी फिर ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ेगी, 1000 से लेकर 1500 रुपये तक बढ़ेगी। और साथियों ये दोनों चीज़ें आपके ओआरओपी 2 में शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आदेश भारत सरकार के ही है। 16 जून 2022 आने वाला है, एरियर का और ओआरओपी 2 रिवीजन टेबल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। आशा करते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट है उनको कंसिडरेशन में लेते हुए ओआरओपी 2 रिवीजन टेबल जारी की जाए। साथियों ये छोटी सी अपडेट आप सबके लिए थी, क्योंकि आप सबकी ओर से मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने तीनों सेनाओं के चीफ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी को ये सीधा पत्र 8 जून 2022 को लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये इसके ऊपर इस लेटर को कंसिडर करते हैं या नहीं। बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।